कार्य पालक पदाधिकारी मुकेश कुमार की पहल पर मोकामा में जल निकासी हेतु लगाया जा रहा ह्यूम पाइप। मोकामा नगर परिषद के कई क्षेत्रों में लगातार जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आगामी मॉनसून को देखते हुए कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार की पहल पर जल जमाव से मुक्ति पाने हेतु ह्यूम पाइप लगाया जा रहा है, ताकि बारिश के मौसम में जल निकासी में कोई समस्या उत्पन्न न हो और नगर परिषद वासियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं मौके पर मौजूद कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि आज इंदिरा नगर से ह्यूम पाइप लगाने की शुरुआत हो चुकी है और यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। जल निकासी के लिए सर और बेहतर क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, अभी जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जेसीबी और इन सबों की मदद से यहाँ पर ह्यूम पाइप्स लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर जो है कहीं ब्लॉकेट्स है इस रूट में, तो वहाँ पर जो है ह्यूम पाइप लगा के फिर से ऊपर से समतल कर दिया जा रहा है, ताकि ह्यूम पाइप के माध्यम से जो है जहाँ जहाँ ब्लॉकेट वो खुल जाए और पानी का जो है स्मूथ वहाँ से निकास होता है। मोकामा में पहली बार मतलब जो है आगामी मानसून को देखते हुए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी लोगों के फीडबैक के आधार पर है, हमारे प्रबुद्ध जन लोगों के जो भी मोकामा वासी के हैं उन सबों का है, जो वार्ड पार्षदगण हैं उन लोगों का भी, जहाँ जहाँ से हम लोगों को फीडबैक मिला उसके आधार पर हम लोगों ने वो स्थल निरीक्षण करवाया और जहाँ भी आवश्यकता लगी उन जगहों पर ये कराया जा रहा है। साथ ही साथ ये आगे भी ये जहाँ भी आवश्यकता महसूस होगी हम लोग इसको अभी कार्यान्वित। साल भर से सर मोकामा में आप हैं, आपके हिसाब से मोकामा नगर परिषद में सबसे ज़्यादा जल जमाव की समस्या कहाँ? ये जल जमाव की समस्या तो इस तरफ में रही थी पिछले साल के आधार पर, कुछ दो नंबर तीन नंबर वार्ड में भी रहा है। फिर ये अभी जो देख रहे हैं कि जो हाईवे की तरफ जो ये रूट जा रही है, ये चूंकि ब्लॉक्स था, बहुत जगह पर ब्लॉकेड था, इस वजह से देखते थे कि ये पानी अंदर के अंदर ही फिरता था, तो ये सभी जगहों पर रहता था। तो जहाँ जहाँ से भी इस तरह की हम लोगों को मिल रहा है जैसा, मतलब वहाँ लगवाया जाए हम लोग।